हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्र फ्रेंड्स आप सभी को गुड मॉर्निंग देखिए फ्रेंड्स जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में इक्कीस हज़ार तीन सौ इक्यानवे पदों पर वैकेंसी आई हुई है उसके लिए रोज़ सुबह नौ बजे से हमारा यह सेशन स्टार्ट होता है और इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती दो के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं और इस सेशन में हम लोग केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर करते हैं आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री है इससे पहले मैंने आपको दो सेट ऑलरेडी कवर करा दिया था सेट वन और सेट टू को अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जब सेशन समाप्त होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फटाफट एक बार वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास किसी भी ग्रुप में है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिए एक बार और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ये बेल आइकन है घंटी का निशान है इसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करके देते चलना है बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब किया गया था तो 1936 ईस्वी में आप देखेंगे कि कितना शानदार प्रश्न इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत यहाँ मैं लिख देता हूँ बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही किया गया था ठीक है और हरिजन सेवक संघ की स्थापना हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने किया था सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है चलिए दूसरा प्रश्न है कि कोर्ड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है यह कोर्ड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है बताइए कोर्ड लिवर तेल में ध्यान रखेंगे कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है और यह कॉर्ड लिवर तेल जो है यह किस जीव से प्राप्त किया जाता है बताइए देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्सीफेरॉल होता है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैग्निक किरणों द्वारा हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे और देखिए यह कोर्ड लिवर तेल जो है यह मछली से प्राप्त किया जाता है मछली जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से उपास्थि के संबंध में जो कार्टिलेज है उसके संबंध में गलत कथन का चयन करना है इसमें से चारों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो गलत कथन है उसको चुनिए देखिए फ्रेंड्स कल ही मैंने आपको बताया था कि अस्थि उपास्थि यहाँ पर देखिए उपास्थि है और रक्त यानी कि ब्लड ये जो होते हैं यह कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक होते हैं ठीक है यह संयोजी उत्तक होते हैं क्लियर है और देखिए इसमें से पूछा गया है कि उपास्थि के संबंध में गलत कथन कौन सा है तो देखिए इसका मैट्रिक्स कौंड्रीन से बना होता है ये बिल्कुल सही दिया गया है इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है ये भी सही है इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है इसीलिए इसमें लाल रक्त कनिकाएँ नहीं बनती हैं इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता, होता है इसी कारण से जो है इसमें लाल रक्त कनिकाएँ नहीं बनती हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें लाल रक्त कनिकाएँ बनती हैं ये गलत है नहीं बनती हैं ठीक है यानी कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है बिल्कुल ये करेक्ट है इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बिल्कुल होती है इसी कारण इनकी संख्या बढ़ती है ठीक है तो गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका थोड़ा सा समय लीजिए पाँच सात सेकंड और आंसर बताइए देखिए प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक इसका खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुछ मैं एंटीबायोटिक का नाम बता रहा हूँ जैसे कि पेनिसिलिन, एस्ट्रेपोटोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन यहाँ मैं लिखता हूँ टेट्रा साइक्लिन ठीक है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन ठीक है और पेनिसिलिन तो आपको पता ही है ये सभी जो हैं यह प्रतिजैविक हैं राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अच्छा यहाँ पर देखिए टू फोर डी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह क्या है तो यह एक खर पतवार नासी है ठीक है यह क्या है तो यह एक खर पतवार नासी है ठीक है चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1905 में देखिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखिए ये 1905 में लंदन में इंडिया होम रोल सोसाइटी की स्थापना जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अच्छा 1905 में ही 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना उन्नीस में किया था उन्नीस में अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर ने किया था अभिनव भारत की स्थापना सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और देखिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल सौ प्रश्न है उस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार से बिहार पुलिस में एग्जाम पूछे जाते हैं दो सेट मैंने कवर करा दिया है जरूर देख लीजिएगा और रोज़ बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं लाइव सेशन हमारा नौ बजे से स्टार्ट होता है साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का दिया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको अलग सीरीज चला रहा हूँ मैं चैनल से जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर बना लीजिए मद्रास में क्योंकि दिल्ली में जो जिन्होंने किया था उसका ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है छूट गया ऑप्शन में नाम यहाँ पर मद्रास बना लीजिएगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया था बताइए देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है इसकी घोषणा की गई थी क्लियर है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था क्लियर याद रहेगा आपको देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है मद्रास में किया था चिदम्बरम पिलई ने क्लियर है बाल गंगाधर तिलक ने पूना और मुंबई में किया था ठीक है याद रहेगा आपको अगर आपसे पूछा जाए कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना में या फिर बंबई में किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इन्होंने जो है पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था और दिल्ली में किसने किया था दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था ये भी आप ध्यान रखेंगे क्लियर है चलिए और यहीं बंगाल विभाजन जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसके खिलाफ़ में उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बंगला की रचना की थी जो कि बाद में चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है कौन सा ऐसा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है करेक्ट आंसर बताइए कल वाला जो सेशन था वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्पष्ट नहीं आ रहा था इसलिए फिर से मैं इसको लेकर के आया हूँ बताइए एस अक्षर के समान जो है यह किस महासागर का आकार है फ्रेंड्स यह अटलांटिक महासागर है अटलांटिक महासागर है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है और इसकी आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स यह वन जो है इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय वन उष्ण कटिबंधीय वन इसको जो है मॉनसून वन भी कहा जाता है इसको मॉनसून वन भी कहा जाता है और यह वन जो है सत्तर से लेकर के सत्तर से लेकर के दो सौ सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं यह वन जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यह सत्तर से लेकर के दो सौ सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं इन वनों में चंदन की लकड़ी शीशम साल टीक बांस इन सब के वृक्ष जो है पाए जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन और एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा सेशन जब समाप्त होगा तब भी आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिए आप लोग लाइक में बिल्कुल कंजूसी करते हैं आप लोग वीडियो देखते हैं इसका फायदा लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा देखिए कच्चे आम में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है बताइए देखिए कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो यह अम्ल जो है यह टार्टरिक अम्ल है कच्चा आम अंगूर इमली इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है साइट्रिक एसिड जो है सिट्रिक एसिड यह पाया जाता है खट्टे फल जैसे कि अंगूर संतरा और नींबू में संतरा और नींबू में पाया जाता है ठीक है अभी मैंने आपको बताया अंगूर इमली और कच्चे आम में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ऑक्जिलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में ठीक है और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है गैर संवैधानिक यानी कि इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है बताइए गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह है बिल्कुल क्योंकि अनुच्छेद दो के अनुसार जो है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग पता है आपको 324 से लेकर के तीन तक में है वित्त आयोग 280 में है वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति के पास है, है। क्लियर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है क्लियर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर उन्नीस को की गई थी 12 अक्टूबर उन्नीस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा यानी कि एक के मिश्रा ठीक है नाम याद रखेंगे इनका चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा देखिए ओजोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है क्या ओजोन अनिवार्य है जी नहीं अनिवार्य जो है ये ऑक्सीजन है ओजोन का जो होता है ओ थ्री फॉर्मूला होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो सजीव जीवों के श्वसन के लिए ओजोन नहीं ऑक्सीजन अनिवार्य होता है तो ये वाला जो है आपका गलत हो गया इसका उपयोग जीवाणु जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है बिल्कुल इसका उपयोग जो है रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है यह पारावैग्निक किरणों को अवशोषित कर लेती है ये भी सही है पहले से ही आपको पता है वायु में इसका अनुपात लगभग तीन प्रतिशत है जी नहीं वायु में ओजोन का जो अनुपात होता है ये जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर परसेंट के लगभग होता है ठीक है चलिए तो सही इसमें से पूछा गया है तो सही जो है कौन सा है दूसरा और तीसरा सही है तो केवल दो और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सोच समझ के आंसर दीजिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 24 जनवरी के दिन आठ मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पाँच जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सोलह सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे स्कोर आप लोग कमेंट करके बता के जाइएगा लास्ट पे देखिए निम्नलिखित में, में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है सार्क का सदस्य देश कौन सा इसमें से नहीं है सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन क्लियर है दक्षेस भी इसको कहा जाता है ठीक है दक्षेस भी इसको हिंदी में कहा जाता है अगर दक्षेस पूछेगा तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसका स्थापना 1985 में हुई थी कहाँ पर तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसका हेडक्वाटर जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं तो आठ हैं कौन कौन से देश हैं उंगली पर काउंट करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अपना प्यारा भारत भूटान मालदीव नेपाल और श्रीलंका है इसमें से देखिए म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है सदस्य देश नहीं है कौन सा म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कि पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के तेईस में प्रथम स्थान पर यानी कि जो पदक तालिका होता है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था बताइए अच्छा देखिए पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया था टोटल आठ शहरों में इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर जबलपुर मंडला मंडला ठीक है मंडला उसके बाद महेश्वर और बालाघाट में इसका आयोजन किया गया था ठीक है याद रहेगा आपको आठ शहर मध्य प्रदेश के थे जहां पर आयोजन इसका किया गया था और इसमें मेडल में यानी कि मेडल टेबल होता है पदक तालिका यानी कि प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा था क्लियर है चलिए देखिए सूची एक का सूची दो के साथ सुमिलित करना है बताइए मिलान कर लीजिए मन में ही देखिए किनवन की अगर बात करें एक तरफ आविष्कार है दूसरी तरफ आविष्कारता है किनवन की खोज किया था लुई पासर ने पेनिसिलिन की खोज मैंने अभी आपको बताया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था और बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था ठीक है अच्छा टीकाकरण का खोज किसने किया था टीकाकरण का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने ही किया था एडवर्ड जेनर को जो है क्या कहा जाता है एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है क्लियर ध्यान रहेगा आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं ग्लूकोज की ये जो बहुलक दिए गए हैं इनमें से कौन सा जंतु जो है संचित करते हैं बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह जो है ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन को मुख्य रूप से लीवर यानी कि यकृत और मांसपेशियों में संश्लेषित और संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन को मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीबर और मांसपेशियों में और मांसपेशियों में जो है इसको मांसपेशियों में जो है इसको संश्लेषित और संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा इसका चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई बार मैंने आपको बताया हुआ है इसकी स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है इसका हेडक्वाटर न्यूयॉर्क में है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अच्छा ये जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या है ये टोटल छः है उंगली पर काउंट करिएगा कि कौन कौन से भाषाएँ हैं तो अरबी चीनी फ्रेंच अंग्रेजी रूसी और स्पेनिश है ये छह भाषाएं हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल पुस्तक के लेखक कौन है? पूरा नाम है इस पुस्तक का द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल्व इस पुस्तक को लिखा है किसने इसको लिखा है शशि थरूर ने अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल यहाँ मैं लिखता हूँ द इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक को किसने लिखा है जानते हैं आप तो कमेंट करिए इस पुस्तक को लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इसको ठीक है ये भी आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक कौन है पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक कौन है पुस्तक शाहजहां नामा के लिखा है किसने तो इनायत खान ने लिखा है अच्छा एक है हुमायूं नामा हुमायूं नामा को किसने लिखा है हुमायूं नामा को किसने लिखा है बताइए हुमायूं नामा को किसने लिखा है हुमायूं नामा इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला प्रश्न है कि उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन निर्वाचित हुए थे उन्नीस वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में ठीक है हरिपुरा में और उन्नीस वाला जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था त्रिपुरी में त्रिपुरी में हुआ था और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है जरा आप कमेंट करके बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है आप कमेंट करके बताइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है जो आग बुझाने वाले ड्रेस होते हैं परिधान होते हैं उन पर किसकी परत चढ़ी होती है बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये परत जो चढ़ी होती है ये मेलामाइन की होती है मेलामाइन की होती है ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला प्रश्न कि पिट्र्यूट्री ग्लैंड जिसको कि हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है पिट्रियूट्री ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है तो ये जो ग्रंथी है यह है कौन सी फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप इन सब का नियंत्रण करता है भूख प्यास ताप इनका नियंत्रण कौन करता है तो हाइपोथैलेमस करता है चलिए अगला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया का लेखक कौन था यूटोपिया का लेखक कौन था यूटोपिया को लिखा है किसने बताइए राइट आंसर यूटोपिया को लिखा है किसने तो थॉमस मोर ने लिखा है थॉमस मोर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है थॉमस मोर कल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ यह एक प्रतिमा है जो कि कहाँ पर स्थित है स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ पर है किस राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, कहां पर है? करन, आ, कमेंट करके बताइए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है ठीक है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में है और यह मूर्ति जो है यह प्रतिमा जो है भगवान शिव को समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है ये पाँच जून के दिन मनाया जाता है अभी मैंने आपको बताया था विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष पांच जून के दिन मनाया जाता है इसका थीम जो है यह है आपका बताइए राइट आंसर वनली वन अर्थ वनली वन अर्थ जो है इसका थीम है इस बार का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वामित्र द्वारा रचित विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो ऋग्वेद से याद रखेंगे ठीक है ऋग्वेद के किस मंडल में जो है यह समर्पित गायत्री मंत्र है भगवान सूर्य को समर्पित है देवता सावित्री को समर्पित है बताइए तो देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ध्यान रखेंगे सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ठीक है अच्छा नवे मंडल में किसका जिक्र है किसका उल्लेख किया गया है नवे मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है ठीक है सोम का उल्लेख किया गया है क्लियर है याद रखेंगे दसवें मंडल में अगर पूछेगा तो दसवें मंडल में जो है आपको याद है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है जिसका अनुसार चार वर्ण हैं ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्लियर चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी देखिए ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो एक बार हुआ है ध्यान रखेंगे प्रश्न बन सकता है यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है ऋग्वेद में दो बार हुआ है अगर आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है तो यह जो नदी है सबसे ज्यादा जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है यह सिंधु नदी है और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि एंजिल जलप्रपात जो है यह किस देश में अवस्थित है एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अच्छा एक कोटोपैक्सी वाला मुखी पूछा जाता है कोटोपैक्सी कहाँ पर है कोटोपैक्सी ठीक है कोटोपैक्सी कहाँ पर है तो इक्वाडोर में है एंजिल कहाँ पर है तो वेनेजुएला में है एंजिल कहाँ पर है एंजिल जलप्रपात बेनेजुला में है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कि साल अठारह सौ बयासी ईस्वी में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था हंटर आयोग का गठन जो है किसने किया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में अठारह में जो है यह गठन किया गया था किसका किसके द्वारा तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ठीक है लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर आयोग का गठन किया था और यह शिक्षा से संबंधित है ध्यान रखेंगे ठीक है देखिए लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसी के समय जो है पहली बार कारखाना अधिनियम लाया गया था ध्यान रहेगा इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था इसी के समय से नियमित जनगणना कराई जाती है यह भी प्रश्न बनता है क्लियर है चलिए लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी अठारह में यह भी प्रश्न बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर है तो लखनऊ में है अच्छा नई दिल्ली में क्या है नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर में क्या है कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कानपुर में क्या है कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है तो कानपुर में है चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से यानी कि विषाणु से नहीं होता है विषाणु से जो नहीं होता है वह रोग पूछा गया है खसरा होता है विषाणु से पोलियो भी होता है चिकन पॉक्स भी होता है एड्स भी विषाणु से होता है एड्स भी पूछा जाता है किससे होता है तो विषाणु से होता है विषाणु से जो नहीं होता है ये टाइफाइड है टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स यह होता है जीवाणु से इस जीवाणु का नाम क्या है तो सालमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है सालमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है टाइफाइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रसिद्ध त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है ओणम और पोंगल ठीक है ओणम और पोंगल ध्यान रखेंगे पोंगल मनाया जाता है कहाँ पर पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओनम जो मनाया जाता है ये केरला में मनाया जाता है ओनम कहाँ पर मनाया जाता है केरला में मनाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1911 में दिल्ली दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी आपको याद होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था ठीक है और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया बिल्कुल ये सही दिया गया है बिहार एक अलग राज्य बना था जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था बंगाल से अलग हुआ था बिहार लेकिन बिहार में उड़ीसा इसमें सम्मिलित था ये भी सही है और यह जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था इसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और फाइनली 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना था ठीक है राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरुक्त तो सभी जो है इसमें से करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है सुमेलित नहीं है एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषय दूसरी तरफ दिया गया है बताइए निर्वाचन जो है यह किस में है निर्वाचन जो है यह किस में है भाग पंद्रह में है भाग सत्रह में राजभाषा है भाग अठारह में संविधान संशोधन नहीं है भाग अठारह में आपात उपबंध है संविधान संशोधन जो है यह भाग बीस में है ठीक है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है चौदह में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं सही लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे थर्टी फाइव नंबर निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधि करती है यानी प्रतिनिधित्व कहिए प्रतिनिधित्व करती है बताइए किसने कहा था तो फ्रेंड्स यह जो कहा था यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं यह किसने कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में मैं रह करके इसे दम तोड़ते हुए देखूं यह दफ... यह कथन लॉर्ड कर्जन का है सिर्फ आपको इतना याद रखना है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है यह स्टेटमेंट किसका है तो यह कर्जन का है कांग्रेस केवल सुख सुंदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है यह लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नाटो का इकतीसवां सदस्य देश कौन बना है नाटो का इकतीसवां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है तो यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वाटर है इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की 1949 में हुई थी और इसका जो इकतीसवां सदस्य देश बना है यह देश फिनलैंड है फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है हेलसिंकी है यह भी प्रश्न बनता है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है तो हेलसिंकी है याद रखेंगे चलिए सैंतीस नंबर है कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है पहला राज्य है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बताइए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो फ्रेंड्स यह राज्य केरल है केरल राइट आंसर हो जाएगा अभी मैंने बताया था कि ओणम कहाँ का त्यौहार है ओणम केरल का त्यौहार है ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया देश की पहली है यह वाटर मेट्रो इसीलिए इंपॉर्टेंट है देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोची में किया गया कोची राइट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला प्रश्न है कि सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित तो वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहाँ से भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था अच्छा ये जो ऑपरेशन दोस्त देख रहे हैं यह अभियान चलाया गया था सीरिया और टर्की में जो भयंकर भूकंप आया हुआ था वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए अगला प्रश्न करेंगे कि मेलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेलाकाइट जो है यह किसका अयस्क है बताइए करेंट करेक्ट आंसर इसका मेलाकाइट तांबा का अयस्क है मेलाकाइट तांबा का अयस्क है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है दूरी जो है सूर्य से यह आपको ग्रहों का क्रम याद रखना है सबसे पहले जो होगा वो बुध होगा बुध के बाद क्या होगा शुक्र होगा शुक्र के बाद पृथ्वी होगा पृथ्वी के बाद जो है मंगल होगा मंगल के बाद जो है बृहस्पति होगा बृहस्पति के बाद जो है शनि होगा शनि के बाद अरुण होगा और फिर आखिर में जो है वरुण होगा अब ये क्रम देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है कि शुक्र और मंगल के बीच में शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है भाई तो यह पृथ्वी है पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछता कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम अगर पूछता कि कौन सा है तो पहला दूसरा और तीसरा क्रम है ठीक है तीसरे नंबर पर है पृथ्वी पहले नंबर पर बुध है दूसरे नंबर पर शुक्र है तीसरे नंबर पर पृथ्वी है चौथे नंबर पर मंगल है तो ये कम से कम चार क्रम आप जरूर याद रखिएगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चार्ल्स उड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है चार्ल्स उड का आदेश पत्र अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए उड डिस्पैच को अठारह में लॉर्ड डलहौजी ने लाया था और उड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है अगर पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा किसको कहा जाता है तो उड डिस्पैच को कहा जाता है ठीक है याद रखेंगे और यह शिक्षा से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसकी स्थापना जो है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ छः को किसने किया था तो सदगुरुदास बनर्जी ने किया था सदगुरुदास बनर्जी ने किया था कब तो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ छः को नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है उन्नीस सौ संतानवे में जो है यह अपनाया गया था और वर्ष 2005 में इसे प्रभाव में लाया गया ठीक है जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी या जलवायु परिवर्तन दोनों आप ध्यान रखेंगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात जो है यह किस देश की सीमा पर है नियाग्रा जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा वाटरफॉल जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है कृत्रिम रूप से पूछा गया है कृत्रिम रूप से एसीटिलिन का इस्तेमाल किया जाता है हालांकि यह बहुत जगह बैन भी हो चुका है अगर प्राकृतिक पुस्ता कि प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है तो चूंकि ये गैस एथिलीन है और यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है और यह फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है ठीक है यह एकमात्र एक पादप हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पादपों में पाया जाता है याद रखेंगे ठीक है प्राकृतिक तरीके से एसिटिलिन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या मैंने बताया था कि पटना का है सर्वाधिक कम जनसंख्या शेखपुरा का है सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है ये सब मैंने आपको बता दिया था आज प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो है यह है रोहतास में है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी पूछेगा तो भी रोहतास में है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछेगा तो भी रोहतास में है सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार का जो जिला है वो पूर्णिया है पूर्णिया है इसे भी आप ध्यान रखेंगे चलिए फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है ठीक है पाँच वर्षों के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और यह संविधान का अनुच्छेद दो आई में है दो आई में है ध्यान रखेंगे आप ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर की राजधानी कहाँ पर है कतर की राजधानी कहाँ पर है कमेंट करिएगा कतर की राजधानी कहाँ पर है कतर की राजधानी जो है यह दोहा है कतर का राजधानी दोहा है और कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजधानी पूछ लिया जाए तो दोहा है यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है यूक्रेन की राजधानी क्यू है ठीक है पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और फिनलैंड की राजधानी मैंने बताया था कहाँ पर है तो हेलसिंकी है ओमान की राजधानी मस्कट है ओमान की भी राजधानी याद रखेंगे कहाँ पर है तो ये मस्कट है ओमान की राजधानी कतर दोहा की राजधानी है कतर की राजधानी दोहा है सॉरी चलिए अगला प्रश्न है पचास नंबर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताएंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा हम लोग इस सुपर सेट में पचास प्रश्नों को ही कवर करते हैं